थैंक यू वहाँ पर देख के बात करेंगे। हमने मतलब पहली बार पार्टी की है और वो भी दोस्तों और इनकी वजह से जो है, लेकिन मेरा क्या है कि या तो चाहिए तो आसमां चाहिए, नहीं तो ज़मीन ठीक है। तो अगर मैं मेरा विश्वास है कि पार्टी करो तो बिल्कुल नहीं करो, या फिर करो तो पूरे दोस्तों को बुला के करो, सब किसी को छोड़ो मत। तो वही कोशिश की है कि सारे जो इंडस्ट्री के अपने जो थिएटर के सारे दोस्त जो हैं जो आ सकते थे, क्योंकि बहुत सारे लोग शूटिंग कर रहे हैं तो बहुत सारे लोग आ नहीं पाएंगे, लेकिन जो हैं यहाँ पे उनके साथ पार्टी कर रहे हैं। नहीं, हमें सोशल मीडिया ऐसी चीज़ है कि जो कि सबके पास अवेलेबल है, सो उसके ज़रिए जो है सबके साथ में कम्युनिकेशन बना रहता है, तो विच इज़ वेरी गुड दैट आई कम टू नो। मतलब जैसे जॉन जो है लंदन में शूटिंग कर रहे हैं, मुझे बहुत खुशी होती कि वो आते। निखिल आडवाणी नहीं है, वो तो खुशी होती कि आते, लेकिन सोशल मीडिया या पर्सनल मैसेज के थ्रू लोग विश कर देते हैं तो इससे लगता है कि कहीं ना कहीं वो पास ही हैं। सर, पिछले साल आपके लिए कैसा गया और आपने क्या सीखा? क्या सीखा बताओ? सीखा कुछ नहीं। देखो, सीखना कुछ नहीं होता, हम लोग फिल्म टू फिल्म काम करते हैं, मोमेंट टू मोमेंट जीते हैं, और वही जो है सबसे अच्छा तरीका होता है। सीखने का यह है कि हर साल जो है एक कुछ नया सरप्राइज़ देता है, चाहे वो खुशी के तौर पे हो, चाहे दुख के तौर पे हो, चाहे परेशानी के तौर पे हो, आप उससे निकलते हैं या उसको सेलिब्रेट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, एंड यू ऑलवेज फील ग्रेटफुल टू लाइफ। बर्थडेज मनोज और मेरे लिए हमेशा से स्पेशल रहे हैं, और अब हमारी बेटी है आवा, तो अब और स्पेशल हो जाता है। आवा बहुत एक्साइटेड रहती हैं, तो सेलिब्रेट करना चाहती हैं, अलग अलग चीज़ें सोचती हैं। आपने देखा होगा कि आपके पास आ गई थी। हाँ। तो और हमारे बर्थडेज वो अपने दोस्तों के साथ सेलिब्रेट करना चाहती हैं, तो अपने दोस्तों को भी साथ में लेके चलती हैं। इट्स नाइस। आपने सर से एक सवाल पूछा था कि हर साल क्या अलग होता है, इस साल क्या अलग था। आई थिंक मनोज के लिए ना, व्हेन ही मीट्स गुड डायरेक्टर्स एंड जब वो अच्छे डायरेक्टर्स के साथ काम करते हैं, बहुत रिज्यूविनेटेड फील करते हैं। इट्स लवली टू बी अराउंड मनोज व्हेन मनोज इज़ हैप्पी वर्किंग। सो यस, तो मुझे लगता है पिछला साल काफ़ी अच्छा रहा क्योंकि ये बहुत खुश थे। थैंक यू वेरी मच। हाँ हाँ, मैं देख नहीं रहा हूँ क्योंकि काफ़ी बिजी रहता है आदमी, या तो परिवार के काम में या अपने प्रोफेशनल कामों में, लेकिन मैं क्रिकेट का बहुत दीवाना रहा हूँ आज। और चूंकि मैं मुंबई का रहने वाला हूँ, मुंबई में रहता हूँ, तो मैं हमेशा चाहता हूँ कि मुंबई इंडियंस जो है अच्छा करे। आई जस्ट होप दैट दे आर डूइंग वेल बिकॉज आई एम नॉट कीपिंग ट्रैक ऑफ इट। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। आप लोग इन्जॉय कीजिए।